हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी, आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चुरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था औसत वाला, जिसमें मैंने आपको इसकी बेसिक बातें और कुछ क्वेश्चन की मैंने आपको स्टडी करवाया था। अब देखिए, इसी श्रृंखला में हम कुछ और क्वेश्चन उनकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न में आ रहा, क्या छह संख्या आ रही है और देखिए छह संख्या मेरे पास क्या है, दो चार छ आठ एक्स और ये 12, और इनका औसत क्या आ रहा है मेरे पास है, 7 आ रहा है। तो पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा और इन्हें आपको एक्स ज्ञात करना है, और ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 10 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में 11 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में 7 लिखा हुआ है। अब देखो, आप जानते हैं औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, और यहां औसत का मान पहले से दिया गया 7। अब योग का मतलब उन दोनों को जोड़ना, आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 12, और संख्या कितनी की आप काउंटिंग करो भी, 1 2 3 4 5 6 बटे में छा जाएगा। अब 7 बराबर आएगा मेरे पास, एक्स को तो रखना आपको सेम, इन सभी को देखो आप जोड़ लो एक बार, तो 20 26 30 32 बटे हमारा 6। अब इसके बटे में 1 मान लो, और इनको देखो भी एक बार आप वज्र गुणा कराओ, जिससे ये तो इससे गुणा हो रहा है और ये इससे गुणा हो रहा है, यानी एक्स प्लस 32 किसके बराबर आ रहा है, 642 के बराबर आ रहा है। अब 32 को आप उधर भेज देंगे तो यह आएगा 42 माइनस 32, और एक्स का मान मेरे पास क्या आ गया है, 10 आपको प्राप्त हो गया है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो भी ऑप्शन क्या हो गया है, राइट हो गया है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद हम उसके आंसर की बातें करेंगे। तो देखो, अगले प्रश्न में आपको दिया गया ये, यानी इसमें लिखा है कि एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 84 आ रहा है, मतलब 84 रन है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122 62 79 24 ये है, तो पांचवें खिलाड़ी की रनों की संख्या निकालनी है। तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो, ऑप्शन ए में लिखा है 130, ऑप्शन बी में लिखा है 133, ऑप्शन सी में आ रहा है 135, ऑप्शन डी में आ रहा है 140। देखिए अब करना कैसे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएं कि औसत मेरे पास आ रहा है कितना, 84 आ रहा है, यानी औसत है मेरे पास वो कितना है, 84, और डाटा मेरे पास क्या है, जो आंकड़े हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 122 62 79 24, और सारे कितने हैं ये मेंबर, 5 मेंबर है। आप जानते हैं औसत बराबर होता है योग बटा संख्या,
औसत का मतलब उतारा है मेरे पास 84, और योग का मतलब इन सबको जोड़ना है। एक बार आप पाँचवें का डाटा क्या मान लें, एक बार अक्स मान लें, ठीक है ना, आप अक्स मान लिया आपने, तो 122 प्लस 62 प्लस 79 प्लस 24 प्लस अक्स बटे में आ गया 5। अब देखो हमें क्या करना है, देखो इधर तो रहेगा 84 तो रहेगा सेम, वहाँ पर अक्स तो आएगा सेम, वेरिएबल है तब। देखो बाकी इन सबको आपको जोड़ना है, तो दो दो 4, 4 9 13, 4 17, आ से लेकर ये भी 1 2 3 7 10 16 2 18, और आ से लेकर आगे 1 1 2 हो गया, बटे में क्या रहा है 5 आ रहा है। अब इसके बटे में 1 मान लो आप, और इनको वज्र गुणा करवा दो, तो देखिए वज्र गुणा करने से ये इससे गुणा हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है, यानी x प्लस तो आ गया 287, इधर आ रहा है 84 इंटू 5 आ रहा है। अब देखो x प्लस 287 तो आ गया सेम, ये 4 पंच 20 और 2 40 तो हो गया 42, 420। अब x का मान आ रहा है 420 माइनस का 287, इन्हें घटा लेंगे आप दोनों को भी, और देखिए जैसे आप इन दोनों घटाओगे तो यहाँ तो पहले आ रहा है मेरे पास 3, फिर यहाँ पर हो गया 9, तो बचेगा 3, 133। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो गया है, बी ऑप्शन है, वह आपका राइट हो गया है। इसके बाद भी आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, उसमें आपके पास आ रहा है, इसमें देखो हमारे पास आ रहा है, यानी 3 नंबर में 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत के हिसाब से, और ऑप्शन में आ रहा है इसके में 37.5, बी में आ रहा है 47, सी में आ रहा है 42, और डी में आ रहा है 37। देखो ये प्रश्न इसमें आपको भी दिया गया है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो इसका तरीका देखिए, यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी 11 से 63 के, इसका हल है ठीक है नहीं, 11 से 63 के बीच की सम संख्याएं है कौन कौन सी, पहले उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए उनमें क्या रहा है मेरे पास, एक तो आ रहा है 12, 14, 16 और लास्ट में आ गई 62, ठीक है, और ये एक श्रेणी है जिसमें सभी पदों का अंतर क्या आपको समान आ रहा है। अब इसका आप औसत कैसे निकालोगे, तो इसका आपने तरीका पढ़ रखा है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। तो यहाँ पर जो प्रथम संख्या वो तो मेरे पास है 12, अंतिम 62 बटे में 2। अब देखो इनको जोड़ा तो 4, 7 बटे 2, यानी क्या आ गया 37 आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, डी ऑप्शन है, वो आपका राइट हो गया है। इसी तरह से आप अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखिए, जो 4 नंबर प्रश्न रहेगा हमारा, उसमें देखो आपके पास ही आ रहा है, यानी 4 नंबर सवाल में आपको दिया गया है, यानी किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक, पहले प्रश्न लिख रहा हूं मैं, किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक जो आ रहे 51 तथा अन्य 9 छात्रों के
जो औसत अंक है वो मेरे पास आ रहे हैं 68। सभी छात्रों के औसत अंक क्या है? औसत अंक क्या है? और ऑप्शन ए में तो आ रहा है मेरे पास 69, ऑप्शन बी में आ रहा है 60, ऑप्शन सी में आ रहा है 69.5, ऑप्शन डी में आ रहा है 60.5। अब देखिए इसको हमें करना कैसे है। सबसे पहले देखो कि 8 छात्रों का औसत अंक तो आ रहा है 51 और 9 का आ रहा है 68। सभी छात्रों के औसत अंक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो इसका हल, पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रथम 8 छात्रों के कुल अंक। जब आपको औसत से कुल अंक निकालने हैं इन दोनों गुणा करना है, 8 × 8 8 × 40 480 हो गए। उसके बाद लिखना आपको अगले 9 छात्रों के कुल अंक। तो उनके लिए देखो वही तरीका हो गया आपका, 9 को किससे गुणा करना है, उनके औसत से गुणा करवा दो आप 68 से। तो मेरे पास 8 × 9 = 72, 7 × 6 = 54 और 7 कितने हो गए आपके 63 हो गए, यानी 632 हो गए। तो 8 छात्रों के तो कुल अंक आगे 408 और अगले 9 छात्रों के अंक आपके आगे 632। अब देखिए ये मैंने सही तो लिखा है ना, देख लेना इसको भी एक बार आप, ठीक है ना। दोबारा से जैसे 8 × 9 = 72, हासिल 7 × 6 = 54 और 7 कितने होते हैं, सॉरी हाँ 612 होंगे, ठीक है ना 612। अब आप निकालो 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 छात्रों के कुल अंक, 17 छात्रों के कुल अंक आपके हो गए 408 प्लस 612, इनका योग करोगे 10, असल ये करिए भी 2 और ये 10, यानी मेरे पास आ गया 1020 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप जानते हैं योग बटा संख्या या, अब यहाँ पर जो योग है मेरे पास वो तो है 1020 बटे छात्र कितने सारे 17 है, तो भाग दिया 6 बार गया पहले और 0 60 आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया है, बी ऑप्शन यानी 60 वाला आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया है। फिर से मैं एक बार दोबारा बोल दूँ, आप सभी छात्रों को जो अपनी पढ़ाई है वो लगातार जारी रखनी है और आप इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न आ गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। औसत है और उसने ऑप्शन लिख दिया ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3। अब देखो सबसे पहले देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 ये होती है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, हमें इनका औसत निकालना है। औसत निकालने का मतलब क्या होगा, योग बटा संख्या हो गया, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 / 5 आ गया। अब देखो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे एक बार भी, तो ये 7 9 और 2 1 10 / 5 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें जो आपका आंसर हो क्या हो गया है, 2 हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।